गया जिला में कोविड-19 के संक्रमण को कम करने तथा लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी अभिषेक सेन द्वारा हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि लोगों को कोरोना संक्रमण के खतरे की जानकारी देना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अतिरिक्त बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि लोग मास्क पहनकर बाहर निकले, सामाजिक दूरी का अनुपालन करें तथा अपने हाथ को नियमित रूप से सैनिटाइज करते रहें। उन्होंने बताया कि इस जागरूकता रथ के माध्यम से विशेषकर शहरी क्षेत्र के लोगों को कोरोना से बचाव एवं सुरक्षा के बारे में बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि गया सहित राज्य के लगभग सभी जिलों में कोरोना संक्रमण की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने परिवार एवं समाज के बारे में जागरूक किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जागरूकता रथ में लगे माइकिंग द्वारा लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा हेतु आवश्यक संदेश दिए जा रहे हैं। बीटी न्यूज बिहार के लिए गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। देखिए, नोवल कोरोना वायरस पे आज एक जागरूकता रथ निकाला गया है, जिसमें और अभी तीन और रथ जाएंगे यहाँ से, जो गया नगर निगम क्षेत्र, शेखारी अनुमंडल, शेखारी अनुमंडल और गया के अन्य क्षेत्रों में जाएंगे, जिसमें सभी लोगों को मास्क लगाने का, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का और टीकाकरण अभियान में भाग लेने का अनुरोध किया जा रहा है। इस जागरूकता रथ के माध्यम से मेरा सभी से अनुरोध होगा कि कृपया इस कोविड प्रोटोकॉल को जरूर फॉलो करें और सुनिश्चित करें कि आप स्वयं सेफ हैं और आपके परिवार, आपके आसपास के लोग सुरक्षित हैं। लक्ष्मण झूला बनाया जा रहा है विष्णु पद से सुनता है और बिहार में पहली बार इस तरह। देखिए, 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी